हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल दास टेक्निकल सब लोगों का फिर से स्वागत करता हूँ और कैमरा में कौशिक। सो आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट बात करने जा रहे हैं जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम अभी फेस करना पड़ रहा है पर यूट्यूबर को। मैंने कुछ दिन पहले एक नोटिंग टाइप का एक वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में एक बार बोला था आप लोगों को कि वीडियो बनाते जाओ, पैसे की चिंता मत करो, सिर्फ वीडियो बनाते जाओ, बहुत तरह से पैसा आएगा। वो सब तो हम सब मान लिए, पर कुछ तो तरीका होना चाहिए ना परमानेंट। जैसे कि गूगल एडसेंस एक परमानेंट द्वारा यहाँ से आपको मिलेगा कम या ज्यादा एट अ टाइम। तो अभी आपका चैनल बंद हो जा रहा है, आपका एडसेंस ब्लॉक हो जा रहा है, इसकी वजह से आप पैसा नहीं कमा पा रहे हो, तो आप क्या करें? सो आपको कोई टेंशन लेने की बात नहीं, यहाँ पर मैं हूँ आपको समझाने के लिए। और यहाँ पर गूगल के बहुत सारे ऐसे फीचर्स है जो आपको बहुत मदद कर सकता है। सो आज उस एक फीचर से आपको मैं एक फीचर बना बताने जा रहा हूँ, एक ट्रिक नहीं है, एक मैं टिप्स में बताऊंगा यहाँ पर। और उस टिप्स के द्वारा आप अपने गूगल एडसेंस जो बंद हो चुका है वो गूगल एडसेंस का जो फिर से इनेबल कर सकते, ऐसा नहीं बता रहा हूँ मैं यहाँ पर आपको, इतना बता रहा हूँ कि आप फिर से यूट्यूब में अपना पूरा ध्यान दे सकते हैं और आपका पैसा कहीं नहीं जाएगा। 100% प्रूफ है, एकदम सिक्योर है और एकदम कोई अनऑफिशियली नहीं है, एकदम ऑफिशियली। आपको चिंता करने की कोई बात नहीं, आप सिर्फ पूरी एकदम इस वीडियो को देखिए, समझिए। मैं आपको आशा रहेगा मैं पूरी तरह समझा पाऊंगा इस वीडियो में। तो सबसे पहले आप पूरा देख लीजिए वीडियो, उसके बाद ही आप करें जो मैं बताऊंगा। सो कोई टेंशन लेने के बाद नहीं, इस वीडियो को देखिए और आप समझ जाएंगे किस तरह इसे ऑन करते फिर से। आप आपको क्या करना पड़ेगा यहाँ पर, सिर्फ आपको ओनरशिप यहाँ पर देना पड़ेगा और एक ईमेल आईडी या किसी दोस्त के एक्सेस अकाउंट है ऑलरेडी उसके वहां पर, या दूसरा ईमेल आईडी पे आपको एक्सेस खोलना पड़ेगा। उसके लिए क्या करना पड़ेगा मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ। सो बिना टाइम गवाए और अभी स्टार्ट करते हैं वीडियो। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर देख सकते हैं मेरा ये कंप्यूटर स्क्रीन आ चुका है यहाँ पर, और मैं स्क्रीन पे थोड़ा समझा देता हूँ, ये मेरा चैनल आप देख सकते हैं। तो फिलहाल अभी मेरे चैनल में कोई प्रॉब्लम्स नहीं आ रहा है, एकदम कोई प्रॉब्लम फेस नहीं कर पा रहा है। तो मेरा और एक चैनल है यहाँ पर, मैं देखा था इस टाइम में ज्यादा काम नहीं करता वैसे, जस्ट ऐसे ही चैनल है। तो पहले इस चैनल में हम शिफ्ट कर लेते, तो ये हमारा ये चैनल आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर माई चैनल पे जाते हैं हम, तो माय चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं ये एक मेरा आ चुका है, पर कोई वीडियो नहीं है यहाँ पर वैसे। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, ठीक है। यहाँ पर आप सबसे पहले यहाँ पर जो आपका लेफ्ट या राइट साइड में आप देख सकते हैं यहाँ पर आपका जो क्रिएटर स्टूडियो सेटिंग्स है यहाँ पर, यहाँ पर ये सेटिंग्स को क्लिक कीजिए आप, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर आपका कोई चैनल बंद हो चुका है, ये चैनल का एक्सेस ब्लॉक हो चुका है, तो आप इसे कैसे करेंगे फिर से और एक ईमेल आईडी पे? तो यहाँ पर ज्यादातर आ जाता है अकाउंट सेटिंग के नीचे मैनेज मेनू इस तरह का जो होना चाहिए वो आ जाता है। वो लोग जो लोग जानते हैं ये टिप्स के बारे में, तो वो लोग के लिए थोड़ा प्रॉब्लम उसे भी हो रहा है। तो मैं यही कहूँगा प्रॉब्लम आपको फेस करने की नहीं जरूरत है, आप इस टिप्स को देखिए एकदम बहुत ही अच्छा, एकदम अच्छा से समझिए, ठीक है, पूरा देखे। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको कहाँ करना पड़ेगा यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले यहाँ पर हम टैब खोल लेते हैं और यहाँ पर गूगल पे चले जाते हैं। गूगल पे जाके लिखिए क्रिएट क्रिएट गूगल प्लस पेज, नीचे आ चुका है इस तरह। गूगल प्लस पेज के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट आ गूगल पेज गूगल माय बिजनेस, तो यहाँ पर सिंपली आप क्लिक कीजिए, ठीक है। अभी देख सकते हैं यहाँ पर एक फॉर्म टाइप का खोल चुका है, आप सिर्फ यहाँ पर अपना जो चैनल का नाम है वो चैनल का नाम आप यहाँ पर लिख दीजिए, वही अच्छा रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मेरा जो नाम है यहाँ पर सोल्वे कल्याणी, सो ये नाम यहाँ पर लिखेंगे सोल्वे कल्याणी, ठीक है। तो हमने लिख दिया यहाँ पर इंडिया है, सो इंडिया में रखता हूँ कंट्री, स्ट्रीट एड्रेस वैसा तो कुछ नहीं है, फिर भी दे देते हैं कल्याणी, सो यहाँ पर लिख दिया सिटी है, एंटर द फुल सिटी नेम, तो सिटी यहाँ पर हम लिख देते
यहाँ पर देख सकते हैं पिन कोड मांग रहे, तो पिन कोड हम दे देते हैं, हमारा आएगा पिन कोड। और यहाँ पर हमारा जो स्टेट है वेस्ट बंगाल, सो वेस्ट बंगाल नीचे की तरफ यहाँ पर देख पा रहे हैं, सो वेस्ट बंगाल। और मेन बिजनेस फोन नंबर यहाँ पर मांग रहा है, ये ऑप्शन में आप दोगे तो भी चलेगा, नहीं दोगे तो भी चलेगा। कैटेगरी है टेक, सी टेक, नो टेक्नोलॉजी देते, सी टेक्नोलॉजी देते, चलिए दे। आपका जो यहाँ पर आप माय चैनल पे जाइए, आपका यूट्यूब का यूआरएल लगेगा यहाँ पर, ध्यान से देखना, यूट्यूब का जो अपना चैनल का यूआरएल यहाँ पर दे दीजिए, जैसे कि मेरे यहाँ पर मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, कॉपी यहाँ पर इसी यूआरएल को यहाँ पर पेस्ट कर देते, पेस्ट कर दिया, उसके बाद यहाँ पर लिख दिया यहाँ पर आई डिलीवर गुड्स और सर्विस माय कस्टमर्स देयर लोकेशन, यहाँ पर यस कर दीजिए और कंटिन्यू कर दीजिए। यहाँ पर लिखा आ रहा है वी कैन नॉट फाइंड दिस एड्रेस, ठीक है, लोकेशन यहाँ पर ऐसा प्रॉब्लम अगर हुआ तो आप डायरेक्टली यहाँ के मैप से देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, दे दीजिए टेक्निकल सर्विस दे दीजिए, यस कंटिन्यू, बस यहाँ पर देखते हैं कंटिन्यू मैंने कर दिया। और माय बिजनेस डिलीवर गुड्स सर्विस कस्टमर एरिया सो रीजन सिटी पोस्टल कोड, तो यहाँ पर तो पिन कोड हमने दे दिया यहाँ पर, यहाँ पर आप दे सकते हैं 10 या 200 दे दीजिए, कंटिन्यू कर दीजिए यहाँ पर, सो ऑथराइज एग्री कर दीजिए यहाँ पर। बहुत पहले इतना कुछ नहीं मांगता था पर अभी यहाँ पर थोड़ा बहुत मांग रहा है, तो अब दे दीजिए सारे फॉर्म पूरी तरह से फिलअप कर दीजिए, आपका काम हो जाएगा। तो मेरे केस में यहाँ पर फॉर्म फिलअप ने कर दिया और फॉर्म फिलअप हो चुका है, यहाँ पर थोड़ा टाइम लग रहा है माफी करना। सो बाय मेल यहाँ पर दे रहे, सो वेरीफाई आप बाद में कर सकते हैं, अभी कर सकते हैं, बाद में करते हैं, वेरीफाई लेटर हम कर देते हैं अभी, इसकी जरूरत नहीं है। यहाँ पर देखते हैं शायद पेज क्रिएट हो चुका है, पर पेज अगर क्रिएट एक बार हो जाए आपका तो आप इजीली यूट्यूब में वो कर सकते हैं मैनेज अकाउंट पे जाके। सो हाँ यहाँ पर हमारा पेज क्रिएट हो चुका है, इसे सिंपली नो कर दीजिए, इग्नोर कीजिए, जस्ट ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है, तो हम नो करेंगे एंड गेट स्टार्ट। तो हमारा पेज बिजनेस पेज क्रिएट हो चुका है यहाँ पर, और अभी अगर हम यहाँ पे जाकर सेटिंग्स पे जाते हैं तो अब देखना अभी भी आपका वो ऑप्शन नहीं आया, क्योंकि यहाँ पर आपको थोड़ा और कुछ काम करना पड़ेगा। यहाँ पर देख सकते हैं सेटिंग्स यहाँ पर एडवांस लिखा हुआ है, ठीक है, आपका ईमेल आईडी के नीचे यहाँ पर लिखा है एडवांस, यहाँ पर एडवांस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ आप नीचे तरफ देखिए, आप देखिए मूव चैनल टू आप ब्रांड अकाउंट, तो आप इसे क्लिक कीजिए, एक बार आपका पासवर्ड एंटर कर दीजिए, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर डायरेक्ट आपका जो चैनल है, चैनल आपके गूगल अकाउंट से लिंक्ड है यहाँ पर दिखा रहा है, तो यहाँ पर आपको नीचे दिख रहा है माई चैनल आफ्टर मूव, सो यहाँ पर सिलेक्ट डिजायर्ड अकाउंट, सो आप क्लिक कीजिए, तो देख सकते हैं यहाँ पर ब्रांड अकाउंट आ चुका है सॉल्वे कल्याणी, तो आप इस पे क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए आ रहा है मूव टू चैनल, तो मूव टू चैनल में क्लिक कीजिए, मेरा चैनल मूव हो चुका है सक्सेसफुली, देख सकते हैं कि YouTube चैनल हैज बीन सक्सेसफुली मूव्ड, ठीक है, और यहाँ पर देख रहा है
में टेक आप 10 मिनट्स पर अपडेट, सो आपको 10 मिनट लगेगा यहाँ पर, सो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 10 मिनट से भी पहले भी होता है, 10 मिनट ज्यादा नहीं लगता है। सो यहाँ पर ओके कर दीजिए सिंपली। ओके करने के बाद अभी आप गूगल सॉल्व पे जाइए, एकदम सिंपल आप ओनरशिप दे दीजिए। अभी अभी का जो स्टेप्स है ये स्टेप आपको मालूम होगा, अगर मालूम नहीं है तो आप मेरे स्टेप्स को फॉलो कर सकते हैं। सो मैनेज परमिशंस पे क्लिक कीजिए, क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं यू सॉल्व पे कॉलोनी ऑन एयर पर। अब ये लोगो देख सकते हैं प्लस, इस लोगो पे कॉन्टेक्ट प्लस है वो लोगो, यहाँ पर आपका ईमेल आईडी लिख दीजिए जो इस ईमेल आईडी में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। सो यहाँ पर मैं मेरा ईमेल आईडी को थोड़ा चेक कर लेता हूँ। मैं इस ईमेल आईडी से ट्रांसफर करना चाह रहा हूँ। और एक जो ईमेल आईडी में आपको ओनरशिप दिया था, तो अभी जो प्रॉब्लम आपको थोड़ा होगा वो है आपको एक दिन, मिनिमम एक दिन लगेगा, एक दिन के बाद ही गूगल आपका वो यूट्यूब चैनल उस गूगल आईडी पे ट्रांसफर कर देगा। सो एक दिन आपको टाइम लग जाता है, पूरा एक दिन आपको इनविटेशन मेल भी भेजेगा यहाँ पर आपको आ जाएगा, मेरे केस में अभी तक नहीं आया है। सो कोई बात नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पर, सब यूट्यूब पे जाइए अपने चैनल पे, माय चैनल पे जाइए। माय चैनल पे जाने के बाद यहाँ पर वीडियो मैनेजर पे जाइए, यहाँ पर चैनल पे जाके क्योंकि आपका ये चैनल अभी दूसरे मेल आईडी पे है, ध्यान से सुनना, दूसरे चैनल जो ईमेल आईडी था उस मेल आईडी पे है अभी। ट्रांसफर हो जाएगा उसी के बाद आप फिर से उस ईमेल आईडी के द्वारा वही चैनल, सेम चैनल, सेम वीडियो रहेगा और मेरा मानिए 100% ये प्रूव्ड है, जरूर काम करेगा। आप सिर्फ उसके बाद उस ईमेल आईडी के द्वारा फिर से आपका एडसेंस को अपील कीजिए, जो आपका नया एक एडसेंस खोलिए, उसके बाद इसे ऐड कर दीजिए इस चैनल के साथ, फिर से आपका अर्निंग आना शुरू हो जाएगा। फिर से कोई आपका कोई अर्निंग जो जितना हुआ यूट्यूब में पहले से वो कहीं नहीं जाएगा, फिर से वो ट्रांसफर कर दिया जाएगा वही ईमेल आईडी पे जहाँ पे अपने फिर से बनाया है एक नया ओनरशिप दिया है जिस चैनल पे। इसके लिए एक दिन का प्रोसेस लगता है, उसके बाद ये हो जाएगा कन्फर्मली। अगर किसी भी समस्या हुआ या किसी प्रॉब्लम हुआ तो फिर से मैं एक वीडियो बना दूंगा फ्रेश और क्लियर ठीक से समझाने के लिए। अगर इस वीडियो के द्वारा आपका काम हो जाए तो अच्छा, अगर काम नहीं हुआ है तो आप कुछ मत सोचिए, आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपका हेल्प करूंगा। वैसा कुछ बहुत टफ नहीं है, आप सिर्फ इस वीडियो को पूरा अगर देखते हैं तो जरूर समझ गए होंगे, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो अभी आपको मैं बोलना चाहूंगा ये एकदम काम करता है, आप देखने के बाद आप इसे करके देखिए, 100% आप फिर से मोटिव आपको मिल जाएगा और फिर से आप काम करना शुरू कर दीजिए। आज ही मतलब वो वीडियो छोड़ने के बाद ही, मोटिव वाला वीडियो छोड़ने के बाद ही मुझे कुछ लोगों ने कमेंट किया था, तो उसके बाद ही मैंने ये कर दिया। सो ठीक है, आप इतना ही था इस वीडियो में। सो फ्रेंड्स, आप सब समझ चुके हैं वीडियो देखने के बाद, तो जरूर कीजिए और
किसी भी प्रॉब्लम में या कमेंट नीचे कमेंट दीजिए, और अगर आप चाहे तो मेल भी कर सकते हैं मेल आईडी पे। और अभी मैं जो कोशिश कर रहा हूँ व्हाट्सएप टीवी के लिए एक अलग से व्हाट्सएप अकाउंट खोलना और एक नया कुछ करने का, जहाँ से आप मुझसे इजीली आप कॉन्टेक्ट कर पाओगे, शायद वो नंबर के द्वारा भी हो सकता है, कॉल्स के द्वारा भी हो सकता है। सो ठीक है, और फेसबुक पे जरूर फॉलो कीजिए, ट्विटर पे भी फॉलो कीजिए, मैं वहां पर भी हूँ। और इस वीडियो में इतना ही, देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। एंड इस चैनल के साथ जुड़े रहे, इस तरह का और भी यूट्यूब के द्वारा टिप्स मैं देता रहूंगा आप लोगों को, क्योंकि यूट्यूब में लोगों को बिजनेस एकदम खास करके बिगिनर्स के लिए बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है, मैं उसका हेल्प करना चाहता हूँ। सो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, उसको भी मदद हो, ऐसे लोगों को शेयर कीजिए और लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड बाय, टिल द ग्रेट डे, एंड टाटा बाय बाय, सी यू अगेन।